फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैव पैकम, टेंथ का जो सबसे पहला नंबर चैप्टर है बायोलॉजी का, जैव पैकम, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्ट का, टेंथ का जितना भी सब्जेक्ट है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम कवर करते हैं। आज जो हम इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होती है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होती है। तो सबसे पहला नंबर का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, रंध्र से। आप लोग पढ़े होंगे और ये 2018 में पूछा गया है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। मतलब रक्तदाब हो गया, मतलब रक्त मीन्स ब्लड, दाब मीन्स प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। सफाइगनो मैनोमीटर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आप लोग को याद होगा कि ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मापा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थ्री नंबर क्वेश्चन, गौर से सुनना है और साथ ही वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा थ्री नंबर का, सी नंबर, प्लेटलेट्स। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फोर नंबर का, देखिए फोर नंबर में है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। फोर नंबर का जो सही हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए ये भी 2018 में पूछा गया था। चलिए हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हम लोग कवर करते हैं फाइव नंबर को देखते हैं। यहाँ पे फाइव नंबर देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मतलब एक बार और हम रिपीट और करते हैं इस क्वेश्चन को, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। इसका जो सिक्स नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। और आपको हम बता दें, पेड़ के जो हरी पत्ती होते हैं किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है हरी होती है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन को, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो सेवन नंबर में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 10x पर, कितना 10x पे, ये भी 2018 में पूछा गया। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एट नंबर क्वेश्चन को, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो यहाँ पे जो है एट नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए हम लोग यहाँ पे नाइन नंबर को कवर करेंगे, नाइन नंबर देखिए ये हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता। नाइन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब इसका जो है सेंस हो जाएगा डी नंबर, को जीरो सेल्सियस तक ठंडा करता है, डायलाजर असिंक प्राग्मय सेलोफेन का बना देता है। ये सारा चीज़ जो है आप लोग ए बी सी सारे को पढ़ लें और इनमें से सभी होगा, इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए हम लोग टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण होती है, तो टेन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, रासायनिक ऊर्जा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करती है। तो 11 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए बी दोनों, मतलब नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइड के रूप में, दोनों के रूप में। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को,
चलिए देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर, इनमें से स्वयंपोषी कौन है, 12 नंबर में है इनमें से स्वयंपोषी कौन है, तो हरे पौधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हरे पौधे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम स्वयंपोषी किसे कहते हैं, जो खुद पे आश्रित रहता है उसे स्वयंपोषी कहते हैं। और 30 नंबर में है पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, तो 30 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, तो 14 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मंड। चलिए यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यह अस्थाई और अस्थाई प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो 15 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अमीबा, अमीबा जो है अस्थाई प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करती है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 16 नंबर, शरीर की सतह से शोषण, शरीर की सतह से शोषण पोषण, सॉरी पोषण शोषण और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है, तो 16 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा अमीबा का, अमीबा इस तरह से ड्रॉ करते हैं बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे बुक में। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है, तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक में। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, अमाशय का जो है पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पाइलोरिक। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, 19 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सेल्समा और ये सीनम सारे के सारे ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, अमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है, अमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है, तो 20 नंबर की बात करें यहाँ 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ए भी दोनों हो जाएगा आप लोग, ए भी दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके उस चीज़ को पढ़ लें अच्छी तरह से ध्यान से, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, छोटी आंत, छोटी आंत। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 23 नंबर का, 23 नंबर छोटी आंत का कार्य है, मतलब यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में भी दिया है, इसको दूसरा वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे कि छोटी आंत हम यहाँ पे छोटी आंत ही पढ़ेंगे। चलिए 23 नंबर का हम देख लेते हैं 23 नंबर में क्या दिया गया, 23 में दिया है छोटी आंत का कार्य क्या है, तो छोटी आंत का जो कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन को पूर्ण पाचन करना, छोटी आंत का कार्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर में है छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रहणी, बी नंबर। चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशिक रस में पाए जाते हैं, 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी ट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह सब जो भी है इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को कवर कर, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, हमारे शरीर में जो होती है बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, मलाशय, मलाशय। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 27 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है, 27 नंबर में है, 27 नंबर में है मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है, एपेंडिक्स, 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 इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 28 नंबर, सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाती है, सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, 28 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मृतजीवी। चलिए यहाँ देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं, तो 29 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर,
वायवीय श्वसन। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनती है, तो 30 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लैक्टिकल अम्ल, लैक्टिकल अम्ल। अब हम बात करें यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर में है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्रैम्प क्यों होती है। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन मतलब ऐंठते हैं हम लोग जो शरीर को, वो क्यों होती है, तो 31 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिकल अम्ल के संचय के कारण। समझ गए ना आप जो हमारे शरीर का ऐंठन क्यों होता है, तो इलेक्ट्रिकल अम्ल के संचय के कारण होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विसरण। चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे रात्रि में किस गैस को निष्कासन करता है। मतलब हरे पौधे जो है रात्रि के समय में कौन सा गैस निकालती है, अपने से निकालती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 नंबर का जो आपका सही आंसर जो होगा 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, CO2 निकालती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर, मछलियों में शोषण होता है, मछलियों में शोषण होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लोम, गिल्स जो गल्फर से मछलियाँ सांस कहाँ से लेती है, गल्फर से, गिल्स से, या उसको क्लोम भी बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे मानव शोषण तंत्र होता है, मानव शोषण तंत्र होता है, स्वर यंत्र, श्वसनली, फेफड़ा, सारा का सारा तो मानव शोषण तंत्र ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इनमें से सभी। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर में है मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुत्वा रखती है, हीमोग्लोबिन मतलब, अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे आया तो मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का शरीर में जो ब्लड होती है, खून होते हैं, उसके जो कलर होते हैं लाल होते हैं, रंग जो है लाल होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही। तो यहाँ पे 36 नंबर में है मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुत्वा रखती है, तो 36 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, ऑक्सीजन के लिए। चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर वहन करता है, मानव रुधिर वहन करता है, 37 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थ का, इसमें से सभी हो जाएंगे इसका डी नंबर। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, रुधिर क्या है। 38 नंबर में है रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, रुधिर क्या है तो तरल संयोजी उत्तक है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं, यहाँ पे कुछ अंग का नाम दिया है और उसमें से उत्सर्जी अंग नहीं है 39 नंबर का। 39 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर से, पहला जो हम आप लोग को दे रहे हैं इसमें से हम आप लोग को कम से कम 80 क्वेश्चन को रिविज़न करवाएंगे, डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, तो सेट ये पहला था और सेट दूसरा भी आएगा इसी चैप्टर का, कम से कम 80 क्वेश्चन, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए कम से कम आप लोग को 80 क्वेश्चन याद करना होगा, लर्न करना होगा। तो देख लेते हैं लास्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर, इससे पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियो जो भी आए आपका उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे है 40 नंबर, फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता हृदय के, तो 40 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाई अलिंद में, बाई अलिंद में इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि कहीं और प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को हम डिटेल से भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।